1,00,000 लोग पागल लोग बैठे वहाँ, मोदी को अक्कल है बाकी सब लोग पागल है ऐसा समझते हैं क्या? कुछ तो होगा जो उनको समझ में आता होगा। आंदोलन एक दिन में हो सकता है, चमकोशगिरी जो कर सकते हैं ना एक दिन की हो सकती है। 30 दिन से लोग वहाँ डट के बैठे हैं, खाना वहाँ खा रहे, देखते आप लोग देख रहे हो आंदोलन को, खुद के किसी के भरोसे पे नहीं है, खुद के भरोसे पे वो आंदोलन कर रहे हैं, कोई सरकार की मदद नहीं ले रहे। अगर इनको भी अगर तुम पागल करार देते होंगे तो शायद आपके शरीर का होशियार आदमी कोई देश में नहीं हो सकता। दिल्ली की ठंडी आप जानते हो कैसी है, उसमें भी जो लोग किसान जो बैठे उसके ऊपर रहम करो। ये सरकार अभी इनकी आँख नहीं खुली है, बहुमत के जोर पर जो कर रहे हैं ना वो बहुत गलत है। एक दिन आएगा इनका फिर जो 200-400 का है ना, तो ये 2 पे आ जाएंगे, इतना ख्याल में रखो। दिल्ली में जो हमारे किसान भाई बैठे हैं सब समाज के, उनको समर्थन के लिए हमने धरना आंदोलन किया है, इसमें हमें शिवसेना ने सक्रिय पाठिंबा दिया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही अपने औरंगाबाद शहर के अंदर और आगे जो पक्ष है उन्होंने भी हमें पाठिंबा देना चाहिए। और सिख बांधव अकेले शेतकरी नहीं है, सब बांधव का आंदोलन है, उसे सिख बांधव का आंदोलन करके जो लिया जा रहा है वो गलत तरीके का है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूँगा कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम आधे घंटे का निकाल के ये आंदोलन के वहाँ जाके उनकी समस्या जाने तो ये आंदोलन खत्म हो सकता है।